भोजपुरी एक्ट्रेसेस भी हमारी किसी मामले में बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेसेस से कम नहीं है। वक्त और जमाना बीत चुका जब भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस को मोटी प्लमी या फिर ये कहा जाता है कि ये कहाँ से आई है। जी हाँ, हमारे भोजपुरी ने अब इन सारी बातों को मिथ साबित किया है और उन्होंने जो अपने रोल के लिए एक्स्ट्रा किलोज बढ़ाए थे अब इसे बहुत कम कर दिया है। लेकिन हमारी भोजपुरी एक्ट्रेसेस विदाउट मेकअप कैसी दिखती हैं, आइए हम इस वीडियो में खुलासा करेंगे। आम्रपाली दुबे जो कि भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती हैं और ये विदाउट मेकअप भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। जी हाँ, कई बार तो लाइव आते समय भी आम्रपाली विदाउट मेकअप ही अपने फैंस के बीच आ जाती हैं। ऐसा रिस्क भोजपुरी इंडस्ट्री तो क्या बॉलीवुड और साउथ में कोई नहीं ले सकता, क्योंकि एक्ट्रेसेस हमेशा मेकअप लगा कर ही अपने फैंस के बीच आती हैं, लेकिन आम्रपाली ऐसे रिस्क ले लेती हैं। अब बात करते हैं काजल राघवानी की, तो काजल राघवानी फीचर वाइज बहुत ही प्यारी दिखती हैं, लेकिन विदाउट मेकअप आप थोड़ा इन्हें कम रिलेट कर पाएंगे ऑन स्क्रीन पर जब आप इनकी खूबसूरती को देखें। अब हम बात करते हैं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की। जी हाँ, अक्षरा सिंह मेकअप विदाउट मेकअप ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, और तो और इनकी फैन फॉलोइंग भाई सोशल मीडिया पर जितनी है उतनी तो हमारे भोजपुरी एक्टरों की नहीं है। जी हाँ, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये एक बहुत ही स्लिम ट्रिम और खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती हैं। बात करते हैं रानी चटर्जी की, तो भाई इनकी उम्र अब धीरे धीरे भोजपुरी की उम्र दराज एक्ट्रेसेस में हो रही है, तो इन पर उम्र का असर भी दिख रहा है, लेकिन खूबसूरती इनकी कहीं से भी कम नहीं हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत हैं और लोग इनके साथ आज भी काम करने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। मधु शर्मा भोजपुरी की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और इनकी खूबसूरती के जलवे फैंस ने कई बार पहले पर्दे पर देखे हैं, लेकिन विदाउट मेकअप भी ये बहुत खूबसूरत लगती हैं और भोजपुरी की एक स्टाइल एक्ट्रेस मानी जाती है। निधि झा को अगर आपने विदाउट मेकअप देखा तो शायद आप पहचान नहीं पाएंगे, टोटली अलग दिखती हैं विदाउट मेकअप, और विद मेकअप आप उन्हें हमेशा देख सकते हैं। विदाउट मेकअप इनकी फोटो सर्च करेंगे शायद ही आपको मिले, और मिल भी गई तो शायद आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, आपको बताते हैं पूनम दुबे। जी हाँ, पूनम दुबे को अगर आपने विदाउट मेकअप देखा तो शायद आप नहीं पहचान पाएंगे। ये बात और है कि पूनम गोरी है और छरहरे बदन की है, लेकिन भाई विदाउट मेकअप ये काफ़ी अलग दिखती हैं, और विद मेकअप आप इन्हें हमेशा पूरी तरह से पहचान सकते हैं, लेकिन विदाउट मेकअप बिल्कुल नहीं। यामिनी सिंह भी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो काफ़ी खूबसूरत है, और आप विदाउट मेकअप शायद थोड़ा रिलेट कम कर पाए, लेकिन आपको ये विदाउट मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। प्रियंका पंडित या आप कह लें गार्गी पंडित, ये दोनों नाम एक ही है और एक ही पर्सनालिटी की है, लेकिन बात करते हैं विदाउट मेकअप इन्हें देखने की तो आप इन्हें रियली बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। आप इन्हें विद मेकअप ही पहचान सकते हैं, ये साइड से अगर गुजर भी जाएंगी तो आपको लगेगा नहीं कि ये कोई भोजपुरी की स्टार है। डिम्पल सिंह, जी हाँ, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन रही हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही हैं डिम्पल सिंह। डिम्पल सिंह को भी आप विदाउट मेकअप बिल्कुल नहीं पहचान सकते, काफ़ी ज़्यादा अलग दिखती हैं और सांवली सी है, बहुत ही शार्प फीचर की हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन विदाउट मेकअप आप इन्हें बिल्कुल नहीं पहचान सकते। ठीक उसी तरह आप विदाउट मेकअप अंजना सिंह को भी नहीं पहचान सकते। अंजना सिंह भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती है विद मेकअप, लेकिन विदाउट मेकअप देखने के बाद शायद 2 मिनट तक आप इन्हें रिकग्नाइज नहीं कर पाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।